बिस्मिल्लाह वस्सलाम अला रसूलिल्लाह नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज इंशाअल्लाह हम एक बुनियादी और बेसिक बात की तरफ बात पर तवज्जो दिलाएंगे आपकी, जो कि मेरे ख्याल में बहुत बुनियादी है और उस पर जितनी तवज्जो दी जानी चाहिए उतनी नहीं दी गई। आज हम इस्लाम के बुनियादी टॉपिक, इसका माना, मफहूम और दुनिया की हर चीज़ का फितरतन इस्लाम के होने के ऊपर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले अगर हम लफ्ज़ इस्लाम के माना पर तवज्जो करें, मीनिंग्स जिसे हम कहते हैं, तो फर्मा बरदारी, इतात इस्लाम के मानी होते हैं। सरेंडर करना शरीयत के आगे, अल्लाह और उसके रसूल के आगे। अगर हम इसकी वजह तस्मिया पर गौर करने से पहले एक बात की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाऊं कि दुनिया में जितने भी मजाहिब हैं उनका जो नाम है वजह तस्मिया है, वो किसी न किसी ख़ास पर्सनैलिटी या किसी ख़ास चीज़ की तरफ मंसूब है। जैसे महात्मा, महात्मा बुद्ध के ऊपर बुद्ध मत मज़हब का नाम है, जरदश्ती मज़हब का नाम जरदश्ती मज़हब के बानी पर है, ईसाइत का नाम ईसा अलैहिस्सलाम की वजह से है, और यहूदियत मज़हब जो है यहूदी, वो यहूदा कबीले से है जो बनी इसराइल का कबीला है, हम सब जानते हैं। लेकिन आपने कभी गौर किया है कि इस्लाम की वजह तस्मिया क्या है? इसका नाम इस्लाम क्यों है? क्योंकि इस्लाम किसी पर्सनैलिटी का नाम नहीं है, किसी पैगंबर का नाम नहीं है। हम तमाम पैगंबरों पर ईमान लाते हैं जो मुसलमान होता है, और सबसे आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब नबी अलैहिस्सलाम पर ईमान लाते हैं, उनकी शरीयत को फॉलो करते हैं। लेकिन इसका नाम इस्लाम है ना, ये किसी इलाके का नाम है ना, ये किसी ज़ुबान की तरफ इशारा करता है। दरअसल इस्लाम एक फ़लसफे का नाम है कि अपने आप को कम्प्लीटली अल्लाह की इताअत के आगे सपुर्द कर देना इस्लाम है, और जो इस्लाम के दायरे में दाखिल होता है उसका नाम होता है मुसलमान। और मुसलमान हमारा नाम है, जो इस्लाम के दायरे में दाखिल होगा उसका नाम मुस्लिम, जो कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में रखा है, मिल्लत अबीकुम इब्राहीम हुवा सम्माकुम मुस्लिमीन, कि दाखिल हो जाओ अपने बाप इब्राहीम की मिल्लत में जिन्होंने तुम्हारा नाम क्या रखा, मुसलमान। और इस किताब में भी अल्लाह ताला ने तुम्हारा नाम क्या रखा, मुसलमान रखा। और मुसलमान का क्या मतलब होता है? फर्मा बरदार, इताअत इख्तियार करने वाला, सरेंडर करने वाला। मालूम हुआ कि मुसलमान बागी नहीं होता, वो ये नहीं कह सकता कि जो दिल आए करेंगे वो फिर मुसलमान नहीं होगा। जी एक बात और मैंने जो की कि इस्लाम दुनिया की हर चीज़ फितरतन इस्लाम में दाखिल है, मैं इस पर ज़रा तवज्जो दिलाऊँ आपकी। इस्लाम के माना क्या होते हैं? अल्लाह की इताअत, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अमल करना। तो अगर हम दुनिया की हर चीज़ पर नज़र डालें अपने इर्द गिर्द, आप पहले अर्थ को ले लें, ज़मीन, ज़मीन अल्लाह के हुक्म की पाबंद है, वो जब से पैदा हुई है बिलियंस ऑफ ईयर से वो वैसे ही रिवॉल्व कर रही है, सर्कल कर रही है, घूम रही है अपने गिर्द भी और सूरज के गिर्द भी। अगर ये खुद ब खुद हो रहा होता इत्तफाकन, तो कभी इसकी स्पीड तेज़ हो जाती घूमने की, कभी कम हो जाती, कभी इसकी ग्रेविटी तेज़ हो जाती, कभी ग्रेविटी कम हो जाती। लेकिन नहीं, हम देखते हैं कि ये एक ही उसूल पे चल रही है, ये किसी के कंट्रोल में है, उसने उसे ऐसा बनाया है बाय डिफॉल्ट, ये इताअत में है अपने रब की। सिर्फ ज़मीन नहीं, चांद, चांद की ग्रेविटी कम हो जाए तो हमारे समंदर क्या बन जाएंगे, जोड़ बन जाएंगे बू की वजह से। ज़्यादा हो जाए तो ज़मीन की रफ्तार कम हो जाएगी, फिर दिन रात का निज़ाम डिस्टर्ब हो जाएगा। ज़मीन चांद को खींच ले इतना कि ज़मीन के अंदर चांद आ लगे, दुनिया ख़त्म हो जाएगी। हमारा सन, सूरज जिस हिसाब से हमें एनर्जी दे रहा है,
बिलियंस ऑफ ईयर से वो वैसे ही एनर्जी दे रहा है, कभी ना ज्यादा करता है ना कम करता है, एक ही हिसाब से मौसम का सिस्टम है। ये सब कुछ खुद ब खुद तो नहीं है, इस पे मैं बात करना चाहूँ तो घंटों चाहिए। इसी तरह आप हवा, पानी, समंदर, दरिया, हर चीज़ को देख लें, हर चीज़ अपने रब के हुक्म में, फर्मा बरदारी में, इस्लाम में दाखिल है। और कुछ नहीं तो अपना जिस्म भी देख लें, हमारा दिल हमारी मर्जी के बगैर किसी के हुक्म पर किसी के कंट्रोल में 10,000 लीटर खून पंप कर तमाम वेन्स में जिस्म में पहुंचाते, हमें पता भी नहीं है। हम पैदा हो जाते हैं, क्या हमारे माँ बाप ने हमें पैदा किया? उनको तो पता ही नहीं है, वो तो एक सोर्स है। यानी हमारा जिस्म भी क्या है, इस्लाम में दाखिल है। हमारी आँखें, पानी ज़्यादा हो जाए तो हम अंधे हो जाएं पानी बहने की वजह से, कम हो जाए तो हमारी पलकों की रगड़ ही हमें डैमेज कर देगी हमारी आँखें। यानी हर चीज़, हमारा जिस्म, डाइजेस्टिव सिस्टम देख लें, गुर्दे का सिस्टम देख लें, जिस तरह गुर्दे हमारे, हमें पता भी नहीं होता हमारे गुर्दे डायलिसिस कर रहे हैं। अगर ये डायलिसिस बाजार से करवाना पड़े, हॉस्पिटल से, तो आपको पता है कितना महंगा और तकलीफ दे प्रोसेस है। तो हमारा जिस्म भी मुसलमान है। तो कहने का मतलब ये है कि हर चीज़ इस रूए अर्ज की इस्लाम के दायरे में दाखिल है। और सबसे अहम बात, हम खुद, दुनिया का हर इंसान 50% मुस्लिम है और इस्लाम में दाखिल है। बड़ा से बड़ा कोई एथियस्ट है जो खुदा को नहीं मानता, उसे ये मानना पड़ेगा 50% उसका उस पर कंट्रोल ही नहीं है, वो मजबूर है। उसका जिस्म उसकी फर्मा बरदारी में नहीं है, वो अल्लाह की फर्मा बरदारी में है। वो कहाँ पैदा हुआ ये उसने डिसाइड नहीं किया, वो किस रंग में पैदा हुआ, वो किस जगह पैदा हुआ, वो कब मरेगा, उसकी उम्र कितनी होगी, उसके साथ तकदीर के मामलात कैसे होंगे, उसे नहीं पता। उसके साथ हो रहा है और हम तकदीर को मानने पे मजबूर भी हैं, हमें जो इख्तियार दिया। यानी 50% तो दुनिया का हर इंसान भी मुस्लिम है, जो बकाया का 50% है वो भी अल्लाह की इताअत से मान लेना। जो शख्स ऐसा मानेगा 50% जो उसको इख्तियार दिया अल्लाह ने एक सर्कम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, सर्कमस्टांसिस के अंदर, जब वो ये भी मान लेगा तो वो मुकम्मल मुसलमान हो जाएगा, उसका इस्लाम पूरा हो जाएगा। मिसाल के तौर पे, सूद हराम है, कारोबार हलाल है, उसने इससे बचना है सूद से, उसका ईमान मुकम्मल। भेड़ हलाल है, खिंजीर हराम है, उसने इससे बचना है। निकाह हलाल है, जिना हराम है, उसने इससे बचना है जिना से। नमाज 5 वक्त की पढ़नी है, रोज़े रखने हैं, फ़र्ज़ नमाज, फ़र्ज़ रोज़े, हज जिसके ऊपर फ़र्ज़ है, ज़कात, ये उसका इस्लाम मुकम्मल हो जाएगा। जो शख्स ये काम नहीं करेगा वो मजबूरन तो 50% फिर भी मुसलमान है, लेकिन अपने आप को ज़ुल्म ही करेगा एक हिसाब से। तो आज हमने इस मुख्तसर वीडियो में जस्ट इस्लाम के ऊपर बात की कि दुनिया की हम भी 50% मुसलमान हैं और अपने आप को मुकम्मल मुसलमान करें इंशाल्लाह, और दुनिया की हर चीज़ फितरतन कैसे मुसलमान है, और इस्लाम का वजह तस्मिया भी हमने डिस्कस किया। अगली वीडियो में हम कुफ्र के ऊपर इंशाल्लाह बात करेंगे, इसका जो पार्ट 2 आएगा उसके ऊपर हम कुफ्र की हकीकत और कुफ्र के नुकसान इसके ऊपर बात करेंगे इंशाल्लाह, अकली और इल्मी दलायल से। आपने बाकी दलायल तो हमेशा सुन रहे हैं, लेकिन इस तरह से इंशाल्लाह आपको ये फ़ायदा मंद होगा। और मैं इस किताब में जो मेरे दिमाग में लेक्चर आया है, किस तरह आया, उसके लिए मैं आपको तारुफ करवाता चलूँ। ये किताब दीनियात अज मौलाना अबुल आला मौदूदी, ये जो मैं आपको सब कुछ बयान किया इस्लाम की हकीकत, इस किताब के पहले चैप्टर के पहले पोर्शन में से। और इस किताब की लाखों कापियाँ छप चुकी हैं, 22 जुबानों में यह ट्रांसलेट हो चुकी है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ये किताब परचेज़ करें, बहुत ही शॉर्ट किताब है, 132 पेजेज़ हैं और खुला खुला मोटा मोटा लिखा हुआ, यानी 100 पेजेस भी एक नशिस्त दो नशिस्त में बंदा बैठ के पढ़ सकता है। इंतहाई आसान फार्म लिखा हुआ है, मैट्रिक, मिडल और फर्स्ट ईयर के बच्चों के लेवल पर उन्होंने लिखा है।
आपको असल चीज़ में जो रूह है ना इस्लाम की, वो इसमें मिलेगी। नमाज फ़र्ज है, ये तो आपको हर कोई बताता है। इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान आते हैं, क्यों फ़र्ज है, ये आपको इस किताब में मिलेगा। इस किताब को आप पढ़ें, अपने बच्चों को गिफ्ट करने के लिए नौजवान नस्ल को, ये बेहतरीन चीज़ है। इंशाल्लाह हम इसी किताब दीनियात के नाम से ये सीरीज शुरू करें, जिसमें हम पूरी किताब कवर अप करेंगे। आज हमने इसके पहले चैप्टर के पहले 2-3 हेडिंग्स कवर किए हैं, इंशाल्लाह इसको कवर अप करेंगे। आप हमारे साथ रहें और इल्मी और अकली तरीके से इस्लाम की हकानियत, इस्लाम के अहकामात को समझें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा व असल जज़ा वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।